मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि मान लो मैं कोई काम सालों से करते आ रही हूँ, अचानक से एक वीडियो देख के या नेट में मैंने कहीं पढ़ लिया कि भाई ये काम को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपका काम काफी आसान हो जाएगा। तो सोचो आपको अफसोस महसूस नहीं होगा दोस्तों, बताऊं, और आपको फील होगा कि यार अगर ये चीज पहले पता होता तो आप कितने सारे पैसे बचा लेते। तो एक्सपेरिमेंट इसीलिए मैं करते रहती हूँ, मुझे लगता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ। अपने लाइफ स्टाइल को मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जो जितना मतलब मैं बचा पाऊं यार मैं बचा सकती हूँ। तो ऐसे ही किचन से रिलेटेड छोटे छोटे हैक्स आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा, सारे कंटेंट काफी यूजफुल होने वाले हैं। सबसे पहले ना मैं आप लोगों से एक बढ़िया हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ। लगातार 3 महीने से मैं कंटिन्यूअसली इस्तेमाल कर रही हूँ, और आपको तो पता है शैम्पू और जो अलग अलग तरीके के ऑयल आते हैं ना उसको मैंने खरीदना बंद कर दिया है, पूरी तरीके से उससे छुटकारा मिल गया है और घर पे ही बनाती हूँ। देखो इतू सा बस बचा हुआ है दोस्तों, तो इसको फिल करना है इस पूरे शीशी को, और आज मैं ऑयलिंग करने वाली हूँ। तो चलो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा देख लो एक बार। मैंने यहाँ पे हैवी बॉटम स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है। प्लीज अवॉइड कीजिएगा लोहा या अल्मोनियम, बिल्कुल मत लीजिएगा। 2 छोटे छोटे प्याज लिए थे, उनको कट करके डाल दिया है। एलोवेरा फ्रेश एकदम आपको लेना है, उनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके आप डाल दीजिए। करी पत्ता गार्डन में ग्रो कर रहा है, नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, लेकिन प्लीज फ्रेश यूज कीजिएगा, ड्राई वाला मत यूज कीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इनका जूस बहुत जरूरी है। और हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पे जो आप चम्मच देख रहे हैं उसी से हमने 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, प्रोटीन एंड आयरन से भरपूर है, जरूर इस्तेमाल कीजिए। कलौंजी जो आप देख रहे हो जिसको हम लोग अनियन सीड बोलते हैं, वो भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और उतनी ही क्वांटिटी में मैं यहाँ पे अलसी मिक्स कर रही हूँ, और ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लौंग इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे जो तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये प्योर मस्टा ब्रांड का है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं अक्सर डीमार्ट जाती हूँ तो उसको लेकर के आ जाती हूँ, कोल्ड प्रेस्ड है, और इसी को मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप ना नारियल तेल का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। 1 लीटर का ये डब्बा आता है, लेकिन मैं यहाँ पे 500 ml इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसी के हिसाब से जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं ना, आप एक बार ये क्वांटिटी देख लीजिएगा। अगर मेरे को पूरा 1 लीटर का तेल बनाना हो, पूरा इस्तेमाल करना हो, तो इस जो क्वांटिटी है ना, मुझे इन सारे इंग्रेडिएंट का वो बढ़ाना पड़ जाएगा, तो आप ये चीज़ नोटिस ज़रूर कर लीजिएगा। धीमे आँच में इसको पकने देना है, थोड़ी देर के बाद अपने को यहाँ पर डालना है तिल, जो सफ़ेद वाला तिल है वो नहीं तो आप, अगर आपके पास काला है तो आप वो भी डाल सकते हो, सेम वही चम्मच से एक चम्मच हमने यहाँ पे डाला है। एक बार ये तेल आप ट्राई करके देखिए, आपके बाल काफ़ी लंबे घने हो जाएंगे, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिनके हेयर्स काफ़ी टूटते हैं लेकिन रीग्रो नहीं हो पाते हैं, तो फास्ट ग्रोथ के लिए आप उस जगह पर मसाज कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होगा, जो कि आज के डेट में अगर आप लोग जाओगे मार्केट से ख़रीदने के लिए, कोई भी बना बनाए रेडीमेड ऑयल खरीदोगे ना गाइज, बहुत महंगे आते हैं, प्लस यार सच बताऊं तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अब आप देखो तेल बन करके रेडी हो गया, देख रहे हो कलर पहले कैसा था और अब कैसे हो गया। फिल्टर करने के बाद अब आपको डायरेक्टली इसको एयरटाइट कंटेनर में पैक नहीं करना है, कोशिश कीजिएगा ग्लास या जो सिरामिक है ना वही इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा क्या पूरा ही ठंडा होना है, तभी आपको इसको भर करके रखना है। अब देखो लगाने का तरीका आपको बताती हूँ, आपको अपने बालों को अपने हाथों से कुछ इस तरीके से पकड़ना होगा दोस्तों, उसके बाद फिर जितने भी रूट्स हैं ना आपको को पैम्पर करना है, मतलब ये है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, इसलिए ये प्रोसेस 10 से 15 सेकंड तक आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको ये तेल को अपने उंगलियों में लेना है और धीरे धीरे करके मसाज करना है। मेक श्योर गाइस, ये जो तेल है ना बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, लगाने के टाइम एकदम लूक वार्म हो, आप इसको टच कर सको। बस आप इसको लगा दीजिए, 2-3 घंटे तक इसको अच्छे से कवर करके रख लीजिए, हवा नहीं लगने देना है, उसके बाद फिर आप इसको शैम्पू कर लीजिए। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रखा था, तो अब देखो कंटेंट क्रिएटर हो तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो कैमरा लगा करके करती हूँ, अगर फेल हो जाऊँगी तो आपसे शेयर नहीं करूँगी, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा मिल जाता है तो बोनस है हमारे लिए, है ना। तो सबसे पहले लहसुन और प्याज के छिलके को बढ़िया तरीके से धो करके वाइप आउट करके इसको आप सुखा लीजिए, चाहो तो माइक्रोवेव भी कर सकते हो या तो तवे के ऊपर हल्का सा भी आप गर्म कर लोगे ना तो क्रिस्पी हो जाते हैं काफ़ी।
तो जब ये वीडियो मैं शूट कर रही थी ना, मेरे दिमाग में थोड़ा तो कन्फ्यूजन चल रहा था कि यार अभी तक तो मम्मी पापा ने कभी बताया नहीं कि छिलके को भी खाया जा सकता है, इसीलिए एक बार ही गूगल में करके देख रही थी। वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यस, जो अनियन पील्स हैं, गार्लिक वाले पील्स हैं, बोथ आर ईडेबल। तो ग्राइंड करने के बाद बढ़िया ये पाउडर हमने छान करके रेडी कर लिया है। अब ना इसको यूज़ करने से पहले इसमें 2-3 चीज़ें डालेंगे, जैसे हल्का सा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सॉल्ट डाल लीजिए, पेपर पाउडर डाल लीजिए, लाल मिर्च का पाउडर है तो वो भी चल सकता है, एंड फाइनली अमचूर पाउडर डालना मत भूलिएगा। बस इसको छोटे से शीशे में स्टोर करके रखिए। जब कभी भी फ्राइज बनाते हो, पकौड़े बनाते हो, या सिंपली पनीर को सौते करते हो ना, उसके ऊपर से आप इसको जस्ट हल्का सा स्प्रिंकल कर लीजिए, खाने में यम्मी लगता है, यकीन कीजिए दोस्तों। सच बताऊं दोस्तों, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। देखो पैसा वसूल उपाय है, हेल्थ बेनिफिट्स काफी सारे हैं, और तो और आपके फैमिली वाले आपके बहुत तारीफ करने वाले, एक लाइक जरूर कर देना इसके लिए, ठीक है। जब कभी भी हम रोटी बना करके कैसरोल में रखते हैं ना, जब आप डायरेक्टली उनको ढकोगे ना, तो आप देखना वेपर्स के वजह से ना रोटी गीले होने लगते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो न्यूज़पेपर लगा देते हैं, कोई भी कागज़, या जो माइक्रोफाइबर वाले जो आते हैं ना, ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा ही है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग एकदम बजट फ्रेंडली वे में बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो इस तरीके का जो हमने DIY किया था ना, वो आप बना सकते हैं। ये रोटी को कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें डबल लेयर है और इसके अंदर हमने स्पंज भी लगाया हुआ है, स्पंज जो नहीं आते पतले वाले, वो भी लगाया हुआ है। तो इसका DIY मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था, अगर आप लोग चाहोगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत ही अच्छा है, रोटी सॉफ्ट रहता है गाइस। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, रोटी को बनाने के बाद ना डायरेक्टली प्लेट पे ऐसे रख देती हूँ, उसके बाद जब बन जाता है रोटी एक एक करके, सबसे पहले नीचे रख लेती हूँ जो हमने कवर बनाया, उसके बाद सारी रोटियों को रखने के बाद ऊपर से भी मैं इसको ढक देती हूँ। जो रोटी है ना काफ़ी गर्म रहते हैं, ये ट्रिक अगर आप इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको माइक्रोफाइबर फैब्रिक का परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके दोस्तों काफ़ी पैसे बच जाएंगे। बच्चों को ना चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, मेरी बिटिया तो चॉकलेट की दीवानी है, बात बात पे अगर मैं बाहर से ही खरीद करके दे दूंगी ना, वो एडिक्टेड हो जाती है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना घर पे ही बना लिया जाए। वैसे पहले भी 2-3 बारी रेसिपी अलग अलग मैंने शेयर किया है, आज थोड़ा अलग तरीके का हम चॉकलेट बनाने वाले हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसको बना करके कंज्यूम किया था। तो जो कंडेंस्ड मिल्क है ना, वो ज़रा सा ही 2-3 चम्मच हमने यहाँ पे लिए हैं। जिस पैन में भी आप डालोगे ना, आंच बिल्कुल तेज मत करना, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में होना चाहिए, धीरे धीरे करके इनको चलाते रहिए। अब जो कंपाउंड चॉकलेट आता है ना गाइस, उसको आप थोड़ा सा क्रश कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए। कुछ सेकंड के बाद ही आप देखोगे ये पिघलने लगे हैं, और कंडेंस्ड मिल्क और ये जो कंपाउंड चॉकलेट का जो फ्लेवर है ना, वाओ गजब का ये मजा आ जाता है। इसके बाद हम एक चम्मच इसमें कोको पाउडर डालेंगे। आप देख लीजिए क्वांटिटी, अगर आप थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो कोको पाउडर का जो क्वांटिटी है बढ़ा सकते हैं। आप चाहो तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स क्रश करके डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे एलमंड लिया है, लेकिन अगर आप वॉलनट भी डालोगे ना, तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। नीचे बेस में मैंने बटर पेपर लगा दिया है, अगर आपके पास वो सिलिकॉन वाले मोल्ड्स है ना, तो अलग अलग साइज के शेप के रहते हैं ना, तो देखने में बड़ा ही अपीलिंग लगता है, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं वो। ठंडा होने के लिए 2-3 घंटे आप रख दीजिएगा, तो बढ़िया आपका फजी चॉकलेट बन करके रेडी हो जाएगा। आप लोग ट्राई करोगे ना, तो प्लीज मुझे कॉमेंट में एक बार जरूर बताना। एक दिन मेरी बेटी अपना टिफ़िन बॉक्स सिंक में रख करके ऐसे ही पानी डाल करके उसने छोड़ दिया था, मुझे बताया भी नहीं था, क्योंकि जब मुझे फुर्सत मिलता है तभी मैं सारे बर्तनों को धोती हूँ। तो 3-4 घंटे के बाद जब मैं आई, देखा तो बटर पेपर ना बिल्कुल वैसी का वैसी है। हाँ थोड़ा गीला हो गया था, लेकिन अभी तक कोई और नॉर्मल कागज़ रहता ना दोस्तों, तो उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। ये जो हैक है ना, खासकर उन लोगों के लिए जो बटर पेपर अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, टिफ़िन बॉक्सेस में देते हैं, रोटी वगैरह पैक करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो जो बटर पेपर है ना, वो रीयूजेबल होता है। मतलब ये है कि एक बार अगर ये आप इसको इस्तेमाल किए हो ना, तो आप इनको धो करके दोबारा से आप इनको सुखा करके यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को मेरी बातें ऑकवर्ड लग रही होगी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जब मुझे पता चला ना, तो मैं खुद ही शॉक्ड हो गई थी, सोचा आप लोगों को भी बताया जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वापस से आप इनको टिफ़िन वगैरह ही पैक कीजिए, तो जब कभी भी आप केक वगैरह बेक करते हो उस टाइम पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चॉकलेट वगैरह बनाते हैं रैपर के तरीके, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक आप इनको रीयूज कीजिए, और फीडबैक में मेरे को कमेंट में जरूर शेयर कर दीजिएगा।
ये मेरा सबसे पहला मैनुअल चॉपर था जिसको मैंने डीमार्ट से परचेज किया था, 120 या 30 रुपए का होगा। चॉपिंग के टाइम पे थोड़ा सा इसके साथ इंसिडेंट हो गया, नीचे गिर गया ना, तो जो एक्रेलिक वाला साइड वाला जो बॉडी होता है वो हल्का सा क्रैक कर गया था, तो लीक आउट होता था। इसको मैंने डिस्कार्ड करके नया परचेज किया था। सच बताऊं तो ये मुझे पहले वाले से ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसके नीचे ना एंटी स्किड वाला बेस दिया हुआ है, तो जब कभी भी आप सब्जी चॉप करोगे तो इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होते। और मुझे लगा कि जो ब्लेड है ना इसका काफी शार्प है, देख रहे हो आप जो सब्जियां है ना बहुत ही बारीकी से चॉप हुआ है। इस सीजन में ना जो सब्जी वाले पराठे बनते हैं ना, जैसे कि मूली के पराठे हो गए, गोभी के पराठे हो गए, आज तो मैं मिक्स बना रही हूँ जिसमें मूली भी डला हुआ है, धनिया पत्ता भी डालूंगी, और चॉप किए हुए सब्जियों को मिला करके इसमें अजवाइन दे करके हल्का सा नमक दे करके ना बढ़िया डो बना लीजिए, तवे में अच्छे से घी डाल करके सेक लीजिए। मुझे तो ऐसे पराठे बड़े टेस्टी लगते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब मन ना करे ग्रेवी वाली सब्जी बनाने का ना, तब आप चटनी के साथ इनको खा सकते हैं। तो और भी तरह तरह के पराठों का आइडिया प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं भी इस ठंड में ट्राई करूंगी। देखो यार, मैं तो नई चीजें सीख रही हूँ, समय के साथ साथ ना बदलाव बहुत जरूरी है, तो मैं अपने डेली बेसिस पे डेली लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बदलाव कर रही हूँ, मुझे ना फायदा मिल रहा है। और जब कभी भी मुझे लगता है कुछ नया चीज है या कुछ ऐसा हैक है जो कि ट्राई करना चाहिए, तो एक बार मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, परिवार से शेयर करती हूँ, फायदा मिलता है तो कॉन्टेंट बनाती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ वीडियो के माध्यम से। और पता है कुछ अच्छा होते रहता ना, तो उसको मजा आता है करने में भी, रुकना नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहो, चीजें सही गलत तभी आप लोगों को पता लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं जरूर करने वाली हूँ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बाजू में बेल बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यार उसी से आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, जस्ट स्लिप ऑफ टंग हो गया था। चलिए फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।